संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सम्मान्य प्रोफेसर तिवारी जी, प्रोफेसर सीताराम जी, प्रोफेसर शुक्ल जी, मंचस्थ विद्वज्जन, सभा गार्ड में उपस्थित विद्वज्जन, प्रिय छात्रों, ये द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी और भगवान विश्वनाथ निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनने वाली संगोष्ठी है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के इस सत्र में काशी की साहित्यिक परंपराएं, ये इसका मुख्य शीर्षक रहा है। हम भी अपने आप को समय में अनुशासित कर लें तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन उसे कहने से पहले हमारे जिन विद्वानों ने अपने मंतव्य प्रकट किए हैं उनके संबंध में भी कुछ मेरा कहना कर्तव्य बनता है। डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी ने काशी के साहित्य, काशी में साहित्य और साहित्य में काशी, इस विषय पे शोध पत्र का वाचन किया और तीसरी शती में तीर्थ की मान्यता काशी को मिली, ऐसा इन्होंने कहा जहाँ तक मैंने सुना, यह विचारणीय है। उसके बाद आप सीधे उक्ति व्यक्ति प्रकरण में आ गए गाढ़ वालों के काल में और उसका उल्लेख किया, फिर उसके बाद सूरदास के गोपी उद्धव संवाद का आपने उल्लेख किया और अंत में शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों में काशी के प्रतिबिंब को, प्रतिबिंबन को लेकर कुछ चर्चा की और शास्त्रीय पक्ष और लोकधारा, इन दोनों के समन्वय को इन उपन्यासों में प्रतिपादित होता हुआ आपने बताया और आपने बहुत ही बढ़िया व्याख्यान दिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी ने कुछ पर्यावरण की चर्चा करते हुए कुछ बनारसीपन की भी चर्चा की और वस्तुतः काशी का जो जीवन है वह पर्यावरण के बड़ा नजदीक है और उनका संकेत उसी ओर था और आपने तालाबों का, और आनंदवन तो था ही है, और आनंदवन के आज का जैसे तारानगर है वो दारुका वन था, भदेनी है, भद्रवनी था, ऐसे ऐसे करके अनेक वन थे और अनेक कुंड भी थे जिनका सीधे गंगा जी से संपर्क भी था। तो तदनुसार वर्ष में एक बार गंगा जल का उन तीर्थों में आना और फिर पूरे वर्ष भर संचित रहना और फिर दूषित होने पर हट जाना, ये सब सारी प्रक्रिया होती थी। और भी आपने काशी की विशेषताओं का अनेक सा उल्लेख किया। प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी ने काशी की 15 व्युत्पत्तियों को प्रस्तुत किया तो हमको लगता है जैसे सहस्र नाम होते हैं विष्णु के, शिव के, आप काशी का सहस्र नाम बनाते हुए सहस्र व्युत्पत्तियां भी करिए तो सभी घटित हो ही जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और वस्तुतः आपने जो उसमें अपनी दृष्टि दी है तो वह श्लाघनीय है और अनुकरणीय है हम लोगों के लिए, सबके लिए। और जहां तक बात है नारदीय पुराण का उल्लेख, तो उसमें जो शिव और विष्णु के विवाद को कहीं इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह के वचन कुछ मिल जाते हैं उसमें, तो उसमें वो बहुत ध्यान देना नहीं है। और बाकी तो जो मूल तत्व का प्रतिपादन किया वह उस पर विचारणीय है। अब काशी को ज्ञान का खान भी कहा गया, तो ज्ञानम इच्छेतु शंकरात, इस दृष्टि से भी काशी ज्ञान की राजधानी बनी रही है शुरू से ही। और तारक मंत्र के जो उपदेश होते हैं उनसे भी ज्ञान हो गया, ज्ञान हो तो हो गया, तो रिते ज्ञानान्न मुक्ति भी जो वाक्य है घटित हो जाता है। अच्छा, आपने एक और कहा कि आदि विश्वेश्वर जो थे वो ज्योतिर्लिंग के रूप में थे, स्वयंभू थे, ये तो नर्मदेश्वर है, लेकिन जैसा कि मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, पंडित कृष्ण मोहन ठाकुर जी हमारे गुरु जी हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि कभी विश्वेश्वर की स्थापना हुई तो भी काशी के पंडितों ने कहा कि हम लोग इनका परीक्षण करेंगे और 3 परीक्षाएं उसमें ली गई और उन परीक्षाओं को लेकर उनके यहाँ डाला गया। मुझे 2 परीक्षाओं का स्मरण है, तीसरी परीक्षा का स्मरण नहीं है। उसमें यह कहा गया था कि आप ईशान है तो ईशान में होके दिखाइए, तो विश्वनाथ जी में जो अर्घ है उसमें वो कुछ ईशान में है। दूसरा था कि आप सांब सदाशिव हैं तो आप में कहां अंबा है,
आपने ध्यान दिया होगा तो विश्वनाथ जी का जो है शिवलिंग जो है वो बीच में थोड़ा सा स्फुट जैसा है, ये आपने ध्यान दिया होगा। तीसरा का मुझे स्मरण नहीं है तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और आपने जो देव दीपावली पर प्रकाश डाला वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक धारणा बनी हुई थी कि देवोत्थानी एकादशी के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है, तो वो वैष्णव की है, विष्णु की दृष्टि से शिव भगवान विष्णु का शयन से उठना हुआ तो उस प्रसन्नता में हुई। लेकिन जिस प्रकार आपने भगवान शिव के विजय के उपलक्ष्य में शिव दीपावली की बात की है वह एक प्रामाणिक और शास्त्र सिद्ध प्रमाण है। ये जो लोग प्रश्न उठाते हैं काशी में पूर्णिमा के दिन देव दीपावली को लेकर के, उसका भी आप आज ने निरासन कर दिया। अच्छा देखिए, एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है, पता आप लोग हो सकता है पहले के विद्वानों ने चर्चा की हो, अभी मुक्तेश्वर की और विश्वेश्वर की। और अभी मुक्तेश्वर और विश्वेश्वर दोनों ही रूप हैं, तो जिनको काशी में मुक्ति की कामना होती थी वो अभी मुक्तेश्वर की अर्चना करते थे, जिनको सांसारिक कामना होती थी वो विश्वेश्वर की अर्चना करते थे। दामोदर गुप्त का कुट्टनी मतम है 8वीं शताब्दी का, उसमें वो उल्लेख करते हैं कि उज्जैनी का राजकुमार आया काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने के लिए, और वो सवेरे गया काशी विश्वेश्वर के दर्शन के लिए, तो उसने देखा कि उस दिन वहां पे नगर वधुओं की ओर से विशेष पूजा का दिन था। और फिर वो देखता है तो वो आज का जो उस समय का जो मंदिर है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ा गया वो रजिया का मस्जिद है। वहां पे चौक में जो सत्यनारायण मंदिर है उसके पीछे आदि विश्वेश्वर जयपुर नरेश को द्वारा उसी स्मृति में स्थापित किए गए, उसके ठीक पीछे रजिया की मस्जिद है, वहां भी खुदाई उदाई किया जाए तो निश्चित रूप से कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पे उल्लेख भी है कि वहां पे ये इनके कोठे हुआ करते थे नृत्य करने वालियों के, तो कुंदीगर टोला उस जगह का आज का नाम है। बगल में आज भी वहां पे नृत्यांगनाओं के स्थान हुआ करते थे, व्यापारिक कारणों से उनको वहां से स्थापित कर दिया गया। और दारिका मंडली जगह का नाम था, उसी दारिका मंडली का अपभ्रंश होकर दाल मंडी नाम पड़ा है, ये भी संघ में मैं कह देता हूँ। दाल मंडी कोई दाल से मतलब नहीं है, मंडी शब्द जो है मंडली का अपभ्रंश है और दारिका का अपभ्रंश है दाल, तो वो दाल मंडी करके वहां पे वो उल्लेख हुआ। और जब वहां से टूटा तो फिर 1240 में रजिया ने मस्जिद बनवाई, ये कहते हुए कि ये फिर से काफिर मंदिर मंदिर बना देंगे। तो कई बार मुझे लगता है ये 10वीं बार टूट के मंदिर बना है ये अहिल्याबाई द्वारा, आप सभी लोग जानते होंगे इस बारे में। और जो मंदिर के पत्थर थे वो शर्कियों के द्वारा जब तोड़ा गया तो जौनपुर का जो लाल मस्जिद वहां आज भी सारा उल्लेख है, फिर उस पर उन्होंने पलस्तर करवा दिया कि पढ़ा ना जा सके। तो ये सब सारे उल्लेख हैं सब, तो इस पर भी विचार होना चाहिए। 15वीं शताब्दी में जब ये टोडरमल के द्वारा मंदिर के स्थापना का अवसर आया, टोडरमल की बड़ी भूमिका थी, अकबर तैयार नहीं था, तो जयपुर नरेश और टोडरमल के प्रयत्नों से ही यह सिद्ध मंदिर का बनना हो पाया। और उसमें भी कुबेरनाथ शुक्ल ने जो एक उल्लेख किया है जो कि मानना चाहिए कि उसमें उल्लेख मिलता है कि नारायण भट्ट ने जब प्रतिष्ठा कराई तो उसमें अंतिम पुण्यवाचन के समय उनको कहीं धर धुर होना पड़ा, और जब उसमें आयु की कामना करते हैं तो जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं अस्य कर्मणः आयु रीति भवन्तो ब्रुवन्तु, तो उसमें उन्होंने शतम आयु शतम जीवन्तु भवन्त ऐसा कहा। तो इस पर उनको तुरंत आपत्ति हुई कि ये तुम लोगों ने क्या क्या किया, ये मंदिर केवल 100 वर्ष रहेगा, और 80 से 90 वर्ष के बीच में उस मंदिर का ध्वंस हो गया। तो ये सब अब वहां पे नारायण भट्ट ने एक और व्यवस्था दी कि चूंकि आक्रांताओं का बल बढ़ता जा रहा था तो उन्होंने विश्वेश्वर और अभिमुक्तेश्वर के भेद को मिटाया, कहा दोनों में एक ही है, एक ही की पूजा करो, लेकिन ये लगा दिया कि विश्वेश्वर की पूजा फलवती तब होगी कि जब अभिमुक्तेश्वर का भी दर्शन करोगे तब। दूसरी बात ये कि विश्वेश्वर का अपना कोई स्थान ही रह गया था, वो अभिमुक्तेश्वर के घर में आ गए थे, ज्ञानवापी में आ गए थे, वहां भी कई बार मंदिर तोड़ा गया, सब कुछ हुआ, आप लोग पता ही है। तो ये सब तो अब देखिए उसी समय से एक और परंपरा चल पड़ी काशी में, नाग पूजा यहाँ पहले से चलती आ रही है। तो जो लोग काशी से संबंधित रहेंगे पक्के महलों में रहते होंगे
वो नागपंचमी के दिन एक नारा सुनते होंगे, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, बड़े गुरु का छोटे गुरु का नागलो भाई नागलो। तो ये बड़े गुरु अभिमुक्तेश्वर हैं, छोटे गुरु विश्वेश्वर हैं, उन्हीं का जो कंठहार नाग है उसी नागहार का उसी नाग का प्रतीक ये हमारे काशी के बालक आपको आप तक पहुंचाते हैं। ये हमसे पॉलिटिकल साइंस में थे प्रोफेसर आर झा, रजनी रमण झा, उन्होंने हमसे एक दिन प्रश्न पूछा, हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा समय दीजिए हम सोच के बताते हैं। तो फिर ये बात हमारे दिमाग में आई तो उन्होंने अपनी सहमति बताई कि ऐसा हो सकता है। अब प्रोफेसर दुबे जी ने भी बहुत बढ़िया एक विचार अपना व्यक्त किया कि इतिहास और पुराण का समन्वय जो है अगर हो सके तो करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि ये जो साहित्य है ना, साहित्य का भी इसमें समन्वय करिए, कारण कि साहित्य में कुछ बातें पुराणों से हटके आ जाती हैं। पुराणों में हमको मानवीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, और शायद दुनिया में जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं उसमें एकमात्र काव्य ही ऐसा है जिसमें आप मनुष्य भी अपने मन की बात कर लेता है, और बाकी शास्त्र है उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं है। तो काव्य तब बन जाता है कि जब उसमें दोष न रहे, गुणों का आधान हो, अलंकारों का योग हो, और उसमें रस की भी निष्पत्ति कर दी जाए। तो ये जब साहित्य बनता है तो साहित्य भी कोई कल्पना नहीं है, यह भी एक प्रकार से इतिहास का पुराण का पुनर्व्याख्यान ही है। छिपे हुए शब्दों में इसी इसमें इतिहास का भी उल्लेख कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि काशी में जब मंदिर टूटने लगे औरंगजेब के समय में, डॉक्टर साहब जानते हैं आप लोग कि दो ही मंदिर बचे, एक तो करदमेश्वर का और दूसरे जंगमबाड़ी, इन दो ही मंदिर बचे थे, बाकी जितने मंदिर थे एक एक दिन में 250-300 मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो बहुत से आज मुझे एक बड़ा कष्ट भी होता है सुन के कि लोगों ने अपने घरों में मंदिर छिपा रखा था। तो लोगों ने मंदिर को नहीं छिपाया, लोगों ने मंदिर को की रक्षा करने के लिए उनको छुपाया। अब आज के समय में व्यापारिक दृष्टि से कहीं भी गंगा जी किनारे किसी मकान में जाइए, इतनी भी जगह है तो वहां भी एक आदमी दुकान लगा के बैठा हुआ है। तो ये प्रवृत्ति जो है मंदिरों की जो पवित्रता थी उनकी जो मर्यादा थी उसको दूषित जरूर किया है, इसमें हम पूर्ण सहमत हैं। लेकिन उनके जो पूर्वज रहे होंगे 100 साल पहले जो लोग रहे होंगे, न उस समय कोई इस तरह का व्यापार था न कुछ था, तो उन लोगों ने आतंकियों से कहिए चाहे यवनों से ब्लेच्छों से मंदिर की रक्षा के लिए भी उनको कहीं छिपाया होगा कि चलो हमारे इष्टदेव सुरक्षित रहे। ये तो आपने केवल थोड़े से जगह में देखा है। और कुबेरनाथ शुक्ल की जो काशी का वैभव है उसमें पढ़िए तो बनारस के हर घर में एक एक मंदिर है, और सब में सबका उल्लेख किया कि अमुक मकान में यहां से यहां, आप इतने के ऊपर आरोप लगाइएगा कि इन्होंने अपने मंदिरों को घर में छिपा के रखा है, उन्होंने तो मूर्तियों की रक्षा की है। शायद उस सबर स्वामी जिन्होंने यवनों के आक्रांत होकर के अपने पैर में चीरा लगा करके उसमें पोथी की रक्षा की थी। समय के लिए बोलना नहीं चाहिए जी जी अध्यक्ष में, लेकिन जिस समय की बात हो रही है उस समय कोई आक्रांता नहीं है कि 18वीं-19वीं शती में वो डेलीबरेटली किया गया और वो कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा। डॉक्टर साहब बाकी बात मान लेते हैं, हमारा क्या जाता है, हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा जन्म इसी काशी में हुआ है, भदेनी मोहल्ले का मैं रहने वाला हूँ रजनीली, इसीलिए हमको इन्होंने अपना अनुज बताया हमारे त्रिपाठी जी ने। तो मुझे याद है कि बनारस में दंगे बहुत होते थे, कभी कभी साल में 2-2-3-3 बार। तो उस समय जब दंगे होते थे तो उसमें एक ही वर्ग 20 पड़ता था, और यहाँ जो चेतना आती थी भदेनी में बाबू सरबीर सिंह थे, उनके यहाँ अंत में उन्होंने अपने यहाँ वो बनवाया वर्कशॉप बनवाया कि इसमें हथियार तैयार किए जाए, और इधर सिर से जो यादव बंधु जाते थे दूध लेकर शहर में, लौटते समय अनेक का निर्मम ढंग से वध किया जाता था, अंत में वही लोग और बंगाली टोला के लोग मोर्चा लेते थे, तब जाके दंगा पर नियंत्रण होता था। अगर 48-47 से पहले शासन का कोई सहयोग हिंदुओं को मिलता हो तो आपको पता, हमको तो नहीं पता है, आप क्षमा करेंगे। पुण्यम अध्ययना चयत तत्पुण्यम जायताम काश्याम गायत्री लक्ष्य जापता है। तो जितना भी आप पढ़ते हैं, जितना भी सीखते हैं, कहीं भी आप काशी में आ जाएंगे तो नमः शिवाय करके सबका फल आपको मिल ही जाना है। तो जितना अच्छा साहित्य का अर्थ यहाँ पे केवल ये काव्य रचना वाला नहीं है, समस्त वाङ्मयों से है। तो श्री हर्ष ने भी लिखा था उसके बारे में, ये काशी जो है
कहां से वाराणसी निविशते न पुरन न वसुंधरायाम तत्र स्थिर मखभुजाम होने निवास। यहाँ तो ये लोग हैं। और सांख्य के लिए, योग के लिए भी लिखा और अष्टांग योग के लिए भी लिखा कि सबका यहाँ पे समन्वय है। और एक चीज और मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।